हाँ जी वो खजाना किसकी परंपरा में निकला है? जो खजाना निकला है वो खजाना किसने दबा के रखा है? अरे कौन से राजा की बात है? वो पूरी बात पढ़ी नहीं अखबार में? पद्मनाभ, जिसकी नाभि में कल कमल है, किसकी नाभि में कमल फूल दिखाते हैं? है विष्णु। कौन बनता है विष्णु? है ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। जो खजाना राजे लोग इकट्ठा करते हैं वो अपने बाल बच्चों के लिए, पोत्रे धोत्रों के लिए इकट्ठा करते हैं या पब्लिक की, प्रजा की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं? तो प्रजा की भलाई होनी चाहिए। जमीन में गाड़ करके रख देने से प्रजा की भलाई होगी क्या? है यज्ञ के आदि में क्या किया? जो भी ज्ञान धन था, जो पीयू बाप से मिला था, उसकी क्या दुर्दशा कर दी? है जमीन में गाड़ के रख दिया। उससे फायदा हुआ अपना? है नहीं फायदा हुआ। जैसे सच्चाई को दबाए दिया, उस धन से जो प्रजा का फायदा होने वाला था वो नहीं हुआ। तो ये मूढ़मती राजाओं का काम है या पारस बुद्धि राजाओं का काम है? अभी वो खजाना बाहर आ रहा है कि छुपा रहेगा? बाहर आने वाला है। बात तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि भ्रष्टाचारी राजाओं का खजाना था जो जमीन में दबाई दिया, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट बाहर निकाल रही है। या हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? हमारी है शिष्टाचारी गवर्नमेंट। वो शिष्टाचारी गवर्नमेंट सारा ही दबा हुआ खजाना क्या करेगी? बाहर निकालेगी। और लेकिन बाबा जो खड़ा लगा है
है काहे का मंदिर का किसके मंदिर के नीचे है एक ये खोल रहे हैं एक अंदर खुल जाएगा क्या हुआ छह खाने हैं उसमें से पांच खुल रहे हैं। हाँ। एक नहीं खोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर इसको खोलेंगे उसमें मोटी लोहे की दीवार भी है अगर खोलेंगे तो उसके अंदर खुल जाएगा उसका गेट। लोहे की सबसे पुराना धर्म कौन सा है अभिधर्मियों के बीच में इस्लाम धर्म उनकी भी ये मान्यता है कि जब गंगा का जल काबा में कोई लाकर डाल देगा तो क्या होगा अनर्थ हो जाएगा यार तो है ना हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा शिव के दो पुत्र हैं एक है देवताओं का मुखिया माना जाता है देवगणों का ईश माना जाता है क्या नाम है गणेश और दूसरा पुत्र है कार्तिकेय छह मुंह वाला वो छह मुख छह विधर्मियों की यादगार हैं उन छह विधर्मियों में सबसे पुराना और सबसे पावरफुल कौन है इस्लाम धर्म वो जब टूटेगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा विधर्मियों का इसलिए कहते हैं कि वो छठा दरवाजा बंद ही बना रहे जब प्रत्यक्षता होगी तो पहले कौन मरेंगे इस्लामी मरेंगे तो प्रत्यक्षता होनी जब होगी तब होगी उसे कोई रोक सकेगा क्या नहीं रोक सकता बाबा अभी आज की जो दिन बाबा ने बोला हाथ उठा जरा शूद्रों और देवताओं के तीसरा नेत्र होता ही नहीं है देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं न शूद्रों के होता है और न देवताओं के होता है और बाप के अलावा जो जगत पिता है ना उस जगत पिता जगत माता के अलावा और कोई देवताओं को अथवा शूद्रों को तीसरा नेत्र नहीं दिखाते हैं एक जगत पिता है कौन शंकर और एक जगत माता है जगदम्बा सो महाकाली उनको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है बाकी कोई शूद्रों को और दूसरे देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं दिखाते हैं ऐसे नहीं कि देवात्माओं को ज्ञान मिलता नहीं है मिलता तो है परंतु संपूर्ण ज्ञान कोई को नहीं मिलता है और बाबा कहते हैं कि दो कुंड हैं कहते हैं कि दो कुंड हैं एक कुंड जो है जानकी जी का हो गया और दूसरा कुंड किसका है कहाँ है दो कुंड मुरली में एक बार आया अरे मुरली तो कागज के मुरली में आया लेकिन वो दो कुंड कहाँ के बताए
है जानकी कुंड का बताया। ओह जानकी कुंड तो हुआ, कुंड के बारे में नहीं बताया। तो द्रौपदी कुंड अभी खुल गया ना, अभी तो प्रत्यक्ष हो गया ना। दूसरा कुंड उसके बारे में नहीं बताया उसने। द्रौपदी कुंड के बारे में कहाँ मुरली में बताया है, जानकी का कुंड बताया ना। हाँ जी, दूसरा कुंड का नाम नहीं बताया। पहले कहाँ बताया था, ये तो आप बताया गया। अभी की तो बात, दूसरे कुंड का नाम क्या है? अभी प्रत्यक्ष हुआ, अभी तो कहा कि विजयमाला का आवाहन करो, आवाहन कर लिया है, तो फिर वो प्रत्यक्ष कैसे होगा अभी। और पुरुष पुरातन की बदबू क्यों न चंचला हो, इसके लिए कहा गया है, ऐसा क्या होता है? पुरातन क्या? पुरुष पुरातन की बदबू क्यों न चंचला हो, इसके लिए कहा गया है, और इसका क्या तात्पर्य है? अजनब जो बहू थी वो कभी सास बनती है कि नहीं? जो सास है वो कभी बहू थी या नहीं थी? सबसे पुरानी से पुरानी सास कौन है, जो सबकी सास है? उसकी सास कोई नहीं है, जगदम्बा। तो पुरानी थी पुरानी बधु हो गई ना। और बाबा, हाँ जी, शास्त्रों में कथा गाई गई थी तो उन्होंने बताया सिद्धि का पति कलावती माने लीला में लीलावती माने कब बताया, माने कब माने मानी लीला बताई है, कलावती ने कब कला बताई। लीलावती लीला दिखाती है और कलावती कलाबाजी करती है। जो लीला है वो मायापति कराता है, महामाया के द्वारा, या कोई दूसरा कराता है? है लीला है लीलावती के द्वारा, मायापति कहा जाता है, योग माया उसका नाम है। कैसी माया? सबसे जास्ती योग लगाने वाली है। और कलावती है, योग तो नहीं लगा पाती उतना, लेकिन कलाबाजी बहुत करके दिखाती है। ऐसी कलाबाजी करके दिखाती है कि सब असुरों का संहार कर देती है। एक भी असुर दुनिया में नहीं बचता। असुर समझते हैं कि हमने जीत लिया। किसको? कलावती को। लेकिन कलावती ऐसी कलाकारी दिखाती है योग बल में रह करके कि सब असुरों का सत्यानाश कर देती है। एक भी असुर की आसुरी पना नहीं रहता। अब बताओ कलावती कौन है, लीलावती कौन है? बड़ी मम्मी हो गई कलावती, और लीलावती हो गई छोटी मम्मी। और लकड़ारा कौन है, तू तो भूल ही गई है, छुपाती काहे के लिए।
है, माता है बहुत चालाक, अपन लल्ला को छुपाए के रखेगी है। सत्यनारायण की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, और जय लक्ष्मण परम बोल देती है, सत्यनारायण की कथा है, जय लक्ष्मी रमणा बोल देती है, जैसे कहते हैं सत्यनारायण की कथा बोल देती है और बोलते हैं जय लक्ष्मी राम, सत्यनारायण क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं समझ रहा। वो आरती करते ना उसमें सत्यनारायण की कथा के बाद में, ओम जय लक्ष्मी रमणा ये बोलते हैं, वो कह रहे हैं ये क्यों नहीं कहते ओम सत्यनारायण, मतलब ये कहते ओम जय लक्ष्मी। अरे सत्य भी तो प्रत्यक्ष होगा, जब सत्य रूप में पवित्रता का पालन करके दिखाएगा, लक्ष्मी रमणा नहीं होगी तो सन्यासियों की पवित्रता हो गई या असली पवित्रता हुई है? हाँ, तो जय लक्ष्मी रमणा चाहिए, माता गुरु को आगे रखना पड़े। हाँ, ब्रह्मा भगवत के बाबा का प्यारा बच्चा है, फिर कृष्ण शरीर का धारण करना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा के बाबा की प्यारी बच्चे हैं, कृष्ण शरीर का धारण करना, सूक्ष्म शरीर का धारण, सूक्ष्म शरीर धारण करता है इसीलिए कि बच्चा बन करके बाप की सेवा करे। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी क्या करते हैं? राम की सेवा करते हैं कि नहीं? नहीं करते, तो सेवा करेंगे तो मेवा खाएंगे। सूक्ष्म शरीर से ज्यादा अच्छी सेवा होगी या बंधे बंधाए स्थूल शरीर से ज्यादा अच्छी सेवा होगी? सूक्ष्म शरीर से बहुत पावरफुल सेवा हो सकती है। सूक्ष्म शरीर ही दुनिया के जितने भी भूत प्रेत हैं, रावण संप्रदाय 500-700 करोड़ भूत प्रेत हैं, 8 के अलावा, उन सब को कंट्रोल कर लेता है। तो अच्छा बच्चा है, खराब बच्चा है? बढ़िया बच्चा है। बाबा कहते हैं बिना आत्मे अकाले मौत होंगी है, बिना आत्मे अकाले मौत होंगी। अकाले मौतें होंगी तो ये भूत प्रेत बनेंगे या देवता बनेंगे? अडवांस के बच्चे हैं उनकी भी तो अकाले मौत है, एडवांस में जो बच्चे हैं उनकी भी अकाले मौतें हो सकती है। अगर याद नहीं करेंगे तो अकाले मौत होगी, बनेंगे? किसी ने मना कर दिया कि याद मत करो? एडवांस तो दोबारा जन्म नहीं मिलेगा है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर भक्ति मार्ग के संस्कार इस जन्म में हैं, एडवांस ज्ञान ले लिया है, भक्ति मार्ग के संस्कार कोई बहुत कड़े हो गए 100%, तो शरीर छोड़ना पड़ सकता है। शरीर छोड़ते भी हैं और शरीर छोड़ करके थोड़ा समय उनको सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ेगा। जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है वो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जन्म लेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में संस्कार भरा हुआ है ज्ञान का कि शरीर के रहते रहते ही हमको जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। शरीर छोड़ करके हमें मुक्ति नहीं प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करनी है? शरीर के रहते रहते, जीवन के रहते रहते ही हमें मुक्त होना है। ये लक्ष्य लेकर उन्होंने शरीर छोड़े हैं।
और भव सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म अनुभूत और दूसरा बाबा साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार, बाबा और आत्मा दोनों में दृढ़ता आती है कि दोनों हैं। तो इससे बाबा की प्रतिष्ठा और विश्वास है, बाबा की प्रतिष्ठा और विश्वास की दृढ़ता होती है आत्मा साक्षात्कार से, आत्मानुभूति से होती है। आत्मानुभूति कराने वाला शिव बाबा है, साक्षात्कार भी शिव बाबा कराते हैं, लेकिन साक्षात्कार जो कराते हैं वो भक्तों को कराए जाते हैं, ज्ञानियों को नहीं। ज्ञानियों को ज्ञान सुनाने वाला प्रैक्टिकल में चाहिए या साक्षात्कार का चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। तो प्रैक्टिकल को महत्व देंगे या साक्षात्कार को महत्व देंगे? प्रैक्टिकल का ज्यादा महत्व है। बाबा की मुझे बोले नाम रामायण, ये तो साधु संत महात्माएं कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, बाबा थोड़े ही कहते नाम रूप से न्यारा है। मैं तो नाम भी धारण करता हूँ, रूप भी धारण करता हूँ। इस दुनिया में कोई न कोई स्थान के द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष होता हूँ। नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए, धाम भी चाहिए। जिस देश का, जिस धाम का, शास्त्रों में भी नाम वाला है। कहते हैं मगध देश में आता हूं, गंगा यमुना का दुआबा मगध देश है, ये मगरमच्छों का देश है। जिन मगरमच्छों पर गंगा की सवारी दिखाई जाती है, मथुरा, अयोध्या, काशी, ये तीन नगरियां प्रसिद्ध हैं। जहाँ भगवान के चरित्र गाए गए हैं, बात नहीं करना बाबा, कमल खींचा ना क्यों खींचा है? बाबा, एक बच्चे ने पूछा कमल कीचड़ में ही क्यों खिलता है? गुलाब का फूल कीचड़ में क्यों नहीं खिलता? कमल है फूलों का राजा और गुलाब है फूलों की रानी। कोमल कौन है और कठोर कौन है? गुलाब है कोमल और कमल का फूल है कठोर। कमल के फूल को तोड़ने के बाद एक महीने तक रखा रहने दो, मुरझाएगा नहीं। और गुलाब का फूल मुरझाया जाता है डाली से तोड़ने के बाद। कीचड़ में इसलिए खिलता है कि उसकी पहचान होती है कि कितना पावरफुल है। कीचड़ जैसी आत्माओं के बीच में रहता है, पतित आत्माओं के बीच में रहता है,
सर्पों के बीच में रहता है, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी गले में पड़े रहते हैं। उनके बीच में होने के बावजूद भी खेला हुआ रहता है। मुरली में क्या बोला, सौ बगुलों के बीच में हंस अपनी मस्ती में डोलता रहे। तो कमल का फूल हुआ या गुलाब का फूल हुआ? कमल का फूल हुआ। हाँ बाबा, ये गुण साधु साधन के लिए कृपा पाव है परमात्मा का ज्ञान या पूर्व जन्म को मानते हो? खड़े रहो। पूर्व जन्म को मानते हो कि नहीं? तो पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने बाबा के साथ माने राम वाली आत्मा के साथ ज्यादा जन्म लिए, तो उन आत्माओं के ऊपर कृपा होगी या नहीं होगी? उनके ऊपर कृपा होगी। नहीं तो काहे चाहे कितने भी साधन करें, साधना करें, अगर राम बाप के साथ है पूर्व जन्मों में साथ नहीं निभाया है, दुश्मनी की है, ग्लानी की है, तो कितना भी पुरुषार्थ करें वो साधन उनके काम में आने वाले नहीं है। बाप की कृपा होगी तब ही होगा, तो बाप की कृपा गाई जाती है। वास्तव में भगवान किसी के ऊपर कृपा नहीं करता, ये तो बना बनाया ड्रामा है। जिन आत्माओं में जन्म जन्मांतर के सहयोग के संस्कार हैं, वो रामकृष्ण के सहयोगी बनती हैं, और जिनमें जन्म जन्मांतर के विरोध के संस्कार हैं, वो जन्म जन्मांतर विरोधी बनती है। बाकी ये तो तुलसीदास जब मनुष्य का जन्म लिया, अज्ञानी बने, भक्त बने, ज्ञान तो था नहीं, तो उन्होंने ये चौपाई गाय दिए। क्या फिर से एक बार रिपीट कर दो? तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तुलसीदास बेचारे जानते ही नहीं मैं राम की आत्मा हूं, अब अपनी कृपा अपने ऊपर करने की बात थोड़ा ही पैदा होती है। और चैतन्य जो भारत है, चैतन्य में युक्ति का भी पार्ट होगा। बिल्कुल है। तू पी सबसे पहले, यू माने तुम, अपी माने पियो, तुम सबसे जास्ती पियो। यूपी में कौन सी नदी का गायन है? हैं? यमुना नहीं, यमुना का उतना गायन नहीं है, यमुना का मथुरा और दिल्ली में गायन है। यूपी में खास गंगा नदी बहती है, तो जो ज्ञान गंगाएं हैं उनका नाम है तूपी। कौन पी? तूपी। आते भी हैं तो पहले पहले ज्ञान गंगाओं को ही पिलाते हैं, परंतु उनमें संस्कार भरे हुए हैं संन्यास वृत्ति के, तो सन्यासी बन जाती है। फिर उन्हीं सन्यासियों के लिए गाया हुआ है कि ये सन्यासी जब अंत में निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी।
तो औरों के पीने से पिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। कौन पिए? ये ज्ञान गंगाएं पिए। और प्रैक्टिकल जीवन में जी करके दिखाएं, तब जगत का उद्धार होगा। और क्या बेसिक में राम वाली आत्मा ने बेसिक ज्ञान नहीं उठाया? उठाया या नहीं उठाया? तो ज्ञान का फाउंडेशन कहां पड़ा? तो फिर भूल जाएंगे। अरे जो बेसिक में फाउंडेशन पड़ा हुआ है, जो फाउंडेशन पड़ गया अंदर, वो निकाला जा सकता है? नहीं नहीं, नहीं निकल सकता। यो तो एक बार प्रभाव बुद्धि में बैठ गया तो वो बैठ गया। आखिरकार भगवान का पार्टधारी है, तो जिन आत्माओं के संसर्ग संपर्क संबंध में आ जाता है, अंत समय जब आएगा तो क्या वो आत्माएं भूली हुई रहेंगी? याद आएगा। फाउंडेशन बहुत गहरा होता है, इसलिए अंत मते सुगति हो जाती है। जो आदि में सो अंत में। बाप को जेल मिली है तो बच्चों को भी जेल होगी, तो क्या माता कन्याओं को भी जेल? बच्चा आत्मा को कहा जाता है या स्त्री पुरुष की बात है? तो बाप के जो बच्चे होंगे वो जेल से डरेंगे क्या? हैं? फिर वो पूछेंगे कि हमारी भी जेल होगी? अरे जेल तो है ही ये दुनिया। ये दुनिया क्या है? जेल है। और जेल में भी एक और जेल हो जाए तो हमको क्या अंतर पड़ता है? हम कोई नाली के कीड़े तो नहीं है कि कीड़े को नाली में से निकाल दिया जाए तो बिलबिलाएगा? अरे ये दुनिया तो नाली है, नाली। इसमें से निकाल करके उस जेल में एकांत में डाल दिया जाए तो अच्छी बात है, खराब बात है? हमें एकांत ज्यादा मिलेगा या फड़फड़ाएंगे, हाय मेरा घर छूट गया, मेरे बच्चे छूट गए, मेरी बहू छूट गई, मेरा लल्ला टुन्ना छूट गया? अरे वो जेल अच्छी या ये जेल अच्छी है? कौन सी अच्छी? वो जेल तो फिर भी अच्छी, एकांत में चैन से दो रोटी तो मिलेगी। समाज दुर्दशा कर देगा? वो तो दुर्दशा कर दी कि रह गई अभी? हो रही है, अति में चाहिए है? तो अति होने से पहले ही चले जाओ ना, एकांत में शांति से बैठ के याद करना। घबराहट क्यों हो रही है? हाँ।
माया नहीं है। कोई को समझ नहीं आया आगे वालों को, जरा और बोलो एक बार। अरे ये तुंडे तुंडे मतरे भिन्ना कहाँ कहाँ बुद्धि दौड़ती है, मुरली की महावा की याद नहीं रहेंगे। लेटर में ऐसी बातें नहीं आती, लेटर में सिर्फ बाबा के महावाक्य आते हैं लिखे हुए। और बाबा ने कहा है कि बाबा भल चला जावे परंतु मम्मा अंत तक रहेगी, परंतु अभी तो मम्मा दिखाई नहीं देती, तो अंत तक कैसे रहेगी। अव्यक्त बापा दादा ने बोला मम्मा अभी कहाँ है, घूंघट में है, अभी सास बन के काम कर रही है या बहू बन के काम कर रही है, घूंघट में। घूंघट में कोई दिखाई पड़ता है क्या? घूंघट हटेगा तो मम्मा दिखाई भी पड़ेगी और अंत तक यज्ञ की पालना भी करेगी। ऐसे नहीं कि बेसिक की कन्याएं माताएं दीदी दादियां ही पालना करने वाली हैं, उन्होंने तो बेसिक की पालना की। बेसिक बड़ा या एडवांस बड़ा, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई बड़ी या BA MA की पढ़ाई बड़ी, तो एडवांस में भी कन्याओं माताओं के हाथ में सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी। उन ब्राह्मणों का शासन तंत्र एडवांस की कन्याओं माताओं के हाथ में आवेगा। जो बाबा ने बोला है लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स हो जावेंगे, तो सेंटर्स ही लाखों की तादाद में हो जावेंगे तो गीता पाठशालाएं कितनी हो जावेंगी, है करोड़ों की तादाद में हो जावेंगी। उनका संचालन, उनकी पालना करने वाले कोई निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे, है बनेंगे। उन पालना करने वालों, उन निमित्त बनने वालों की कोई मुखिया बनेगी या नहीं बनेगी, है बनेगी। यज्ञ के आदि में तो बताया कि ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है पालना करने वाली, परंतु गड़बड़ी क्या थी, तन पुरुष का था इसलिए बात बनी नहीं, तो मम्मा को निमित्त बनाई दिया। पालना करने वाली सेंटर इंचार्ज की पालना करने वाली मुखिया, वो तो बीच में ही चली गई।
यहाँ भी शूटिंग तो होती है बीच में जाने की, परंतु फिर प्रत्यक्ष होती है, और प्रत्यक्ष होकर के राज करेगा खालसा। वो मन बुद्धि से पवित्रता की कलाबाजी करने वाली कलावती फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी। जो प्रत्यक्ष हो जाए सारी दुनिया के सामने कि गृहस्थियों की पवित्रता क्या होती है और सन्यासियों की पवित्रता क्या होती है और ब्राह्मणों की बड़े से बड़ी गृहस्थी की पालना करेगी, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है, ये सारी सृष्टि किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है। कौन से ब्रह्मा की? दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की, या वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा किसी माता में प्रवेश करता है तो जगदम्बा का रूप धारण करती है। वो जगदम्बा पंजाबी खून से निकलती है, इसलिए पंजाबियों में गायन है, राज करेगा खालसा। बहुत बड़ी पालना होगी ब्राह्मण परिवार की, सारी दुनिया ही ब्राह्मण परिवार बनेगा। सफाई कचड़े की जाएगी या कचड़े को साथ ले जाओगी? हाँ, कचड़े की सफाई करेगी। जो कचड़ा साथ लेकर के जाएंगे उनकी भी सफाई हो जाएगी। और बाबा बोले क्या क्या बोला? बोलो तो पूछो तो क्या बात है? बोले बिजनेस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। ज्ञानी? ज्ञानी मूढ़ न कोई। न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, न कोई मूर्ख है न कोई ज्ञानी है। हाँ माने भगवान जब चाहता है तब वैसा ही हो जाता है, बाकी ज्ञानी कोई नहीं है मूढ़ कोई नहीं है, है ना? ये इसका मतलब ये हुआ कि तुलसीदास की बुद्धि में तो पूरा ज्ञान था ही नहीं, उनके अंदर ड्रामा का ज्ञान था, है? कि सारी दुनिया की आत्माएं कौन से चक्र में फंसी हुई हैं? उस चक्र का नाम क्या है? षष्ठी चक्र। शिव बाबा भी काय में बांधा हुआ है, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो उनको पता नहीं था शिव बाबा का कि शिव बाबा भगवान है। शिव बाबा भगवान कोई को नचाता नहीं है, हर आत्मा में 84 जन्मों का पाठ पहले से ही भरा हुआ है, मूर्खता का पाठ भरा हुआ है तो मूर्खता का पाठ बजाएगा। जब तब विद्वता का पाठ भरा हुआ है तो विद्वान का पाठ बजाएगा।
पार्वती की श्रापित नगरी संभाली। कुबेर ने पार्वती की श्रापित नगरी, क्या नाम है नगरी का, नाम क्या है श्रापित नगरी का, है लंका नगरी। श्रापित नगरी संभाली, इसका अर्थ क्या हुआ? अभी कुबेर का पार्ट किसका है? बाबा का। काशी नगरी का पार्ट है कुबेर का। कहते हैं तिरुपति में जितना धन आता है, तिरुपति महाराज को वो सारा धन किसे अर्पण करना पड़ता है? कुबेर को अर्पण करना पड़ता है। ये कलयुग की बात है। तिरुपति ने वो कुबेर से कब लिया था लोन, जो कलयुग में सारा धन तिरुपति नगरी का, वो तिरुपति मंदिर का कुबेर को देना पड़ता है। अरे अभी संगम युग में पवित्रता ही प्रॉपर्टी है, पवित्रता की प्रॉपर्टी से सारा ब्राह्मण परिवार पल रहा है। पालना कैसे होती है? शुद्ध पालना जो है, श्रेष्ठ पालना जो है, वो पवित्रता के बल पर होती है या पवित्रता के बल पर होती है? तो सतयुग की पालना श्रेष्ठ है या संगम युग की पालना श्रेष्ठ है? संगम युग की पालना श्रेष्ठ है। ये संगम युग में वर्तमान समय में जो तिरुपति पालना करते हैं ब्राह्मणों के परिवार की, उस परिवार की पालना में पवित्रता की प्योरिटी की सहयोग कौन करता है? तिरुपति को। तिरुपति तो पुरुष है कि नारी है? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं नंबर वार, तो पुरुष बच्चों की पालना करते हैं या सहन शक्ति रूपिणी पवित्रता पालना करती है? इसलिए बड़ी सी बड़ी माता अनसुईया को दिखाया है। अनसुईया का ही दूसरा नाम काशी नगरी है। ये संगम युगी नाम है। भविष्य में जो पद मिलता है अष्टदेवों में से, वो पद कुबेर का गाया जाता है। बहुत धन दान किया। सबसे बड़े से बड़ा धन कौन सा है संगम युग में? प्योर ज्ञान धन नहीं है। ज्ञान भी किस लिए है? पवित्रता अर्जन करने के लिए। तो पवित्रता ही सबसे बड़ा धन है, प्योरिटी, अभिविचारी वृत्ति। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये पवित्रता की प्रॉपर्टी वर्तमान संगम युग में जगदम्बा के गुप्त होने के बाद तिरुपति को कहां से मिलती है? है कुबेर से मिलती है, अनुसुईया से मिलती है। जब कोई सहयोगी न रहा तो किसने अंत तक सहयोग दिया? है
कुबेर ने सहयोग दिया, काशी नगरी ने सहयोग दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में मान्यता है कि शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी है। और गीता काल में लोगों का पच्चीस शरीर में 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, मैं इन्हें प्रवेश कर कहता हूँ इनके 84 जन्मों के अंत वाले जन्म में आता सूक्ष्म वजन वाले संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते, बहुत सूक्ष्म वजन वाले संपूर्ण ब्रह्मा होगा। सूक्ष्म वतनवासी उसे कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन में मस्त रहता है, या जिसकी मनन चिंतन मंथन की शक्ति नहीं होती है वो होता है। मनन चिंतन की मस्ती में रहने वाला ही सूक्ष्म वतनवासी असली है। तो मनन चिंतन मंथन परमपिता परमात्मा शिव के प्रवेश होने के बाद होता है या पहले होता है? है? बाद में होता है, तो मैं उसे में थोड़ा ही आता हूं। मनन चिंतन मंथन जिसका होता है वो पवित्रता की राह पर आ गया या पतितपने की राह पर है? है? कौन सी राह पर है? पवित्रता की राह कही जाएगी। तो सूक्ष्म वतनवासी में नहीं आता हूं मैं, किस में आता हूं? पतित में आता हूं या पावन में आता हूं? पतित में आता हूं। पतित बुद्धि मनन चिंतन मंथन करेगी, और करेगी भी तो किस बात का करेगी? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेगी या विकारों के अज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेगी? वो तो विज्ञान विकारों के जो विकारों रूपी अज्ञान है उसी का मनन चिंतन मंथन करेगी, तो उसे पतित कहा जाता है। मैं पतित में आता हूँ। जब संपूर्ण मनन चिंतन मंथन कर ले, 84 जन्मों का राज जान ले, तो उसमें आऊंगा, उसमें थोड़ा ही आऊंगा। और माँ माया के सम्मोहन से और माँ प्रकृति से एवं बाबा की ज्ञान और योग से कभी आकर्षण सम्मोहन माया नहीं समझ में आया बाबा माया माँ और प्रकृति माँ दोनों के सम्मोहन से बाबा की ज्ञान क्या बदल जाता है? बच्चा जाता है। हाँ, दो दोनों की याद, माया की याद, सम्मोहन से, माया के सम्मोहन से और प्रकृति के सम्मोहन से बाबा की याद के द्वारा बचा जा सकता है। बाबा की याद बाबा की याद से बचा जा सकता है, ठीक है? हाँ, बचा जा सकता है, है? इसमें कोई संशय है क्या? केवल याद और जो पवित्रता धारण करके उसको बचा जा सकता है। हाँ, माया से और प्रकृति की मार से बचने का साधन ही है बाबा की याद। अब याद तब ही आएगी जब हम बार बार स्मृति की प्रैक्टिस करें। जीवन में अगर स्मृति की प्रैक्टिस कम की है तो अंत समय में याद नहीं आएगी, और माया और प्रकृति की मार से नहीं बच सकेंगे।
अभ्यास भी चाहिए और इस दुनिया से वैराग भी चाहिए। वैराग माने इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब विनाशी है, भस्मीभूत होने पड़ा हुआ पड़ा है। आज देखने में आ रहा है, कल भस्म हो जाएगा। इसी जीवन में भस्म होने वाला है। ये बात बार बार स्मृति में आए। ऐसे वैराग आता रहेगा और बार बार स्मृति का अभ्यास करते रहेंगे तो बाप की याद भी आती रहेगी। इसके लिए साधन है ईश्वरीय सेवा। जितना ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे तो बाप कौन से बच्चों को याद करते हैं? सर्वसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। हमारी याद तो टूट फूट सकती है, लेकिन जिन बच्चों को बाप याद करते हैं वो याद का कनेक्शन टूटेगा है? नहीं टूट सकता। तो याद वो पक्की हो जाती है बच्चों की जिनको बाप याद करता है। याद भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। ये डबल लॉक लगाएंगे तो माया और प्रकृति के आकर्षण से बचे रहेंगे। हाँ जी, इसमें आ गया बाबा, तो राग जब तक यहाँ से खत्म नहीं होता संसार से है? जब तक राग किसी जगह परमात्मा की अनुभूत के बाद जब उसके राग लग जाता है तब यहाँ से संसार से वैराग आता है। वो तो राग तब ही लगेगा जब ज्ञान होगा। असली ज्ञान माना जानकारी, बाप की पहचान, वही ज्ञान है। और जितना ज्ञान होगा गहराई से उतनी ही प्राप्ति होगी। पहचान चाहिए, ज्ञान चाहिए। हाँ जी बाबा, ये पर्सनल प्रश्न है, पर्सनल पर्सनल पूछ लेना, पर्सनल पर्सनल पूछ लेना, सबका टाइम क्यों वेस्ट करेंगे बाबा? वो आम लोग है बाबा, मैं ये कह रहा था कि या तो निराकार से याद आते हैं और साकार से मुझे सवाई से याद आती है, ज्यादा तो निराकार याद आता है। निराकार ही ज्यादा आता है बाबा, क्या करें? अभी ज्ञान तो मिला है, क्या करें? क्या करें? इस बात का ज्ञान मिला है या नहीं मिला है? क्या ज्ञान मिला है? अरे ज्ञान क्या मिला है? तो बस काटते रहो। ज्ञान से जो अज्ञान बुद्धि में भरा पड़ा है, जिस अज्ञान के कारण निराकार ज्यादा याद आता है, ऑटोमेटिक याद आ जाता है, वो अज्ञान है। विधर्मियों का ज्ञान है, विदेशियों का ज्ञान है, रावण का इम्प्रैक्टिकल ज्ञान है। रावण नहीं जानता कि निराकार क्या करेगा, जानता है? रावण या रावण संप्रदाय या विदेशी या विधर्मी निराकार को मानने वाले हैं।
उन्होंने जन्म जन्मांतर हमको प्रभावित किया है, हिंदुओं को, और प्रभावित करके अपनी प्रजा बना लिया है। वो अनेक जन्मों का संस्कार हमारी बुद्धि में पड़ा हुआ है जो हमको बार बार खींच लेता है निराकार की तरफ। परंतु अभी तो हमको क्या मिला है? है? अभी तो हमको ज्ञान मिल गया और डायरेक्ट बाप से ज्ञान मिला है, तो क्या करना चाहिए? है? वो निराकार की याद से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? साकार में निराकार को बार बार याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें, उन विधर्मियों से बुद्धियों को तोड़ लें जिन्होंने हमको अज्ञान की तरफ गिराया है। अब पूछो इधर। बाबा पढ़े लिखे कुछ साथियों से जो ये कहना चाहिए, नहीं बोलो बोलो। हाँ जो नास्तिक धर्म को मानने वाले हैं, पढ़े लिखे कुछ साथी हैं, उनको ज्ञान की बात करते हैं तो वो ये उत्तर देते हैं कि नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। उनको जवाब तो दे देते हैं हम, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। जवाब तो दे देता हूँ मैं अपनी बुद्धि से, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं कर। क्यों नहीं कर पाते? जैसा वाइब्रेशन हम बनाएंगे वैसी ही सस्ती बनेगी ना। अगर हम वाइब्रेशन आत्मिक स्थिति का बना देंगे तो सारी सृष्टि कैसी बन जाएगी? आत्मिक स्थिति वाले देवता बन जावेंगे। तो वो झूठ कहते हैं या सही कहते हैं? वो जो नास्तिक कहते हैं कि हम जैसा सोचेंगे हमारी सोच के ऊपर है, तो झूठ कहते हैं या सही कहते हैं? झूठ कहते हैं। क्यों? हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही सोचते हैं जैसा भगवान ने हमें सिखाया है। आप वो तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाले हैं ना? वो लोग जो हैं जो ऐसा कहते हैं, क्या ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, हाँ वो कहते हैं इस आधार पर, इस मतलब से कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। वो कुछ बुरा नहीं है। वो जो सोचते हैं उनको सोचना किसने सिखाया और कब से सिखाया? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जब से पश्चात सभ्यता आई और कब से आई? जब से लेनिन स्टालिन आए तब से ये बात आई। द्वापर से कहां? लेनिन स्टालिन तो ये अभी आए हैं, 100-200 वर्ष के अंदर नास्तिकवाद आया है, तब से ये सोच आई है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लेते रहो और घी पीते रहो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वो आत्मा को जानते हैं, पहले उनको आत्मा का परिचय देना पड़े। ये आंखों में से जो रोशनी निकल रही है वो क्या है ये तो बताओ। जब आदमी मुर्दा हो जाता है तो ये आंखों की रोशनी कहां चली जाती है? इस बात का उनको अगर ज्ञान हो जाएगा तो नास्तिकपना भूल जाएंगे। आत्मा अजर और अविनाशी है और ये देह ये तो विनाशी है। पहले पहले उन नास्तिकों को आत्मा का ज्ञान देना पड़े। तुम आत्मा हो, आत्मा कभी मरती नहीं है,
जन्म मरण के चक्र में आती है और आत्मा ने अनेकों जन्म लिए हैं। उन अनेक जन्मों के आधार पर, उन अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों के आधार पर सुख दुख मिलता है। कोई आदमी चाहे कि हम तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करेंगे, जरूरी है कि वो करेगा? है? अरे नसीब में नहीं लिखा होगा तो कर पाएगा? ये नसीब आत्मा की चीज है, ये बोल बोल करने की बात नहीं है। और उनको चैलेंज दे दो कि हम जिंदगी में ही यही जीते जी देखेंगे तुमको, कि सारी जिंदगी तुम ईट ड्रिंक एंड बी मैरी कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अभी ताबड़तोड़ विनाश होगा तब हम देखेंगे कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी को छोड़ छाड़ के भागते हो कि क्या करते हो। आदमी के पास धन आ जाता है तो मगरूरी से बोलता है, जब निर्धन हो जाता है तब उसकी अकल ठिकाने आती है। हाँ। ओम शांति।